Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं शिखा. Hopefully आप सभी बहुत अच्छे हों. आज मैं बनाने वाली हूं खोया और नारियल की बर्फी. और इस बर्फी की खास बात है कि जो आपको खोया है वो भी घर पर ही रेडी करना है. मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी हाउ टू मेक इंस्टेंट खोया. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो. आपकी जो रेसिपी है वो भी बहुत ईजी हो जाएगी और बर्फियां भी बड़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं और जो टेस्ट है वो इतना अमेजिंग आता है. आप एक बार बनाकर जरूर देखना. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये लिया है मैंने खोया. ये खोया 2 कप है. इसे मैंने घर पे ही रेडी किया है. मैंने लास्ट वीडियो डाली थी इंस्टेंट खोए की, बस वैसे ही आपको खोया बनाना है. अगर आपने वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो. और ये मेरा ड्राई कोकोनट था, इसे मैंने मिक्सी में घुमा लिया है. और ये है मेरी, ये भी 2 कप ही है ये. और यहाँ है ये मेरी 1.5 कप चीनी, इसे मैंने मिक्सी में घुमा लिया था तो ये पाउडर जैसा हो गया. और यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर है. सारा नहीं डालना है, इसी में से मैं थोड़ा सा डाल दूंगी. और ये मेरे थोड़े कटे हुए बादाम हैं. आप रफली चॉप कर लेना बादाम को. कोई भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल लेना. और यहाँ पे पिस्ते हैं थोड़े कट किए हुए. तो बस इतने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमें कलेक्ट करने हैं. तो अब चलिए अभी बर्फियाँ रेडी करते हैं. तो यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है गैस पर. आप नॉन स्टिक बर्तन ही लेना वरना जो खोया होता है वो नीचे लग जाता है. और एक टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, देसी घी. और सबसे पहले हम अपना खोया ऐड कर देंगे इसमें. और खोए को भून लेंगे अच्छे से. घी स्किप कर सकते हैं क्योंकि खोए में अपनी इतनी चिकनाई होती है तो इतना ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको नहीं घी ऐड करना है तो आप घी को स्किप कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर हमें खोया भुनना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स. बस थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे खोया भी और नारियल भी. नारियल भी खोए में ही ऐड करना है तो अलग से कुछ भी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी एक पैन में ही नारियल की बर्फी रेडी हो जाएगी. ये खोया कितना सॉफ्ट हो गया है. अब खोया रोस्ट हो गया है. अब खोए में यहाँ पे मैं नारियल ऐड कर दूंगी. खोए और नारियल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है. वैसे इसमें शुगर डलेगी तो ये थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा तो ये दोनों अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे. थोड़ा सा नारियल बस खोए के साथ भून लेना है नारियल को. अब इसी स्टेज पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्डमम, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी. यहाँ मैं डाल दूंगी शुगर. अब मैं शुगर ऐड कर रही हूँ. अब यहाँ शुगर ऐड कर देंगे. आप शुगर चाहें तो थोड़ी कम कर सकते हैं. शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना. आपको अगर ज्यादा पसंद है आप ज्यादा ऐड कर लेना, थोड़ी कम पसंद है तो कम ऐड कर लेना. बस शुगर मेल्ट होने लगी है, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. गैस को मीडियम ही रखना है, तेज गैस पे नहीं करना है. बस हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, शुगर भी मेल्ट हो गई है. बस आपका जो वो खोया है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखना है.
इस पे हमारी बर्फियाँ हो गई हैं रेडी, बिल्कुल ही ये जो है जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैं अपनी जो फ्लेम है वो ऑफ कर दूंगी। ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो चुका है। बस अब मैं इसे अपनी फ्लेम से हटा दूंगी। अब यहाँ आपके पास कुछ भी स्क्वायर में हो या टिन हो आपके पास बर्फी जमाने वाला, मेरे पास ये बेकिंग ट्रे है तो मैं इसमें ही अपनी बर्फियाँ जमा लूंगी। जो पेस्ट बनाया था मैं वो इसे इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। मेक श्योर आप इसे इवनली स्प्रेड करें। आप किसी भी प्लेट में कोई भी बर्तन हो आपके पास, आप उस पे बर्फियां अपनी जमा सकते हैं। आपको थोड़ा सा गरम गरम ही जमाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सेट हो जाएगा। बादाम थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि ये भी बर्फी में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो अब ये हमारी बर्फी हो गई है रेडी और अब इसे सेट होने के लिए रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ मेरी बर्फियाँ हो चुकी हैं रेडी, मैंने इन्हें कट कर लिया था, सेट हो गई थी ये, मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए और बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट है। थोड़े से ही मिल्क पाउडर में इतना सारा खोया रेडी हो जाता है आपका घर पर और टाइम भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपकी बर्फियाँ कैसी बनी। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही जल्दी सब कुछ बनके रेडी हो जाता है और इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप कुकिंग करते हैं बाद में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी से आप ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपकी बर्फियाँ कैसी बनी और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।